नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी ओप्पो फ़ोन पे मैसेज नॉट सेंट जो एरर आता है, आपको यहाँ पे देख सकते हो ये मैसेज जो है फेल हो चुका है और ये मैसेज जा ही नहीं रहा है, किसी भी कॉन्टेक्ट में मैसेज जो है वो नहीं जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दो सॉल्यूशन कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पर। अभी सेटिंग्स पर जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हो मैसेज नॉट सेंड दिखा रहा है, तब आपको क्या करना है, पहले तो उस बंदे को कॉल करके चेक कर लेना है कि उसका नंबर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हम मैसेज तो भेजते हैं उसका मोबाइल नंबर कॉलिंग में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी उसका ही मोबाइल में उसका ही मैसेज उसका ही मतलब सेटिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका यहाँ से मैसेज नहीं जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी दूसरा, यदि आपके मोबाइल से ही प्रॉब्लम है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके मोबाइल के सेटिंग्स पर आना है आपको, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार आपको सबसे पहले तो फ्लाइट मोड को ऑन कर देना है, उसके बाद में आपको फिर से फ्लाइट मोड को ऑफ़ कर देना है। उसके बाद में आप अपना मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिएगा, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कीजिए, एक बार चेक कीजिएगा आपका मैसेज फिर से जाता है कि नहीं। नहीं जाता है तब कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर से वापस आना है और यहाँ पे आपको एकदम नीचे सेटिंग्स पे एप्लीकेशन मैनेजर पे आपको जाना है, या फिर कह लो ऐप मैनेजमेंट, या फिर आपके मोबाइल में ऐप्स एप्लीकेशंस के नाम से शो करेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर ढूंढना है मैसेजेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली मैसेज सेटिंग करना है। यहाँ पे मैसेजेस आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है, इसे फोर्स स्टॉप कर देना है और स्टोरेज यूसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको यदि डाटा क्लियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो डाटा क्लियर क्लिक करके क्लियर कर देना है डाटा को, ठीक है, डाटा क्लियर कर देना है। डाटा क्लियर करने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि आपको परमिशन पर जाना है और ये सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है, ठीक है, एक भी परमिशन जो है आपका नहीं छूटना चाहिए, सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आप अपना मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिएगा, स्विच ऑन कर लीजिए, ऑन करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि यदि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर शो कर रहा है तो सॉफ्टवेयर आपको अपडेट कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों हमारा इनबिल्ट एप्लीकेशन मैसेज के अंदर में कुछ अपडेट आने की वजह से जो है हमारा मैसेज काम नहीं करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करने के कारण से, तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों आपका जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा, बट स्टिल आप फेस कर रहे हो तब आपको क्या करना है, फाइनल ऑप्शन जो है आपको एडिशनल सेटिंग्स पे आके बैकअप एंड रीसेट पे आना है। उसके बाद में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग में जाके रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करके आपका सिस्टम का जितना भी सेटिंग्स है उसे आपको रीसेट करना है। इससे आपका कोई भी डाटा नहीं उड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम जो है कंपनी से जो आया हुआ रहता है वही डिफ़ॉल्ट सिस्टम में आपका ये मोबाइल बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको चारों का चार सॉल्यूशन बता दिएगा दिया, एक ना एक तो आपके मोबाइल में काम कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।